Hello everyone, welcome to the class. I am Advocate Sneha Arora, and in this session, in this series, we will be talking about some principles pertaining to constitution, which I find that they might be there in the exam. So since CUET से इस बार हमारा BHU LLB का पेपर है, DU LLB का पेपर है एंड अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का पेपर है एंड द कोर्स इज लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश वट एवर यू चूज एंड एप्टीट्यूड लॉजिकल एंड यू नो मैथ्स एंड क्वान्टिटेटिव क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड एंड अनदर एस्पेक्ट विच विल बी आस्क्ड इन दिस एग्जाम इज लैंग्वेज एप्टीट्यूड and GS, okay, GS or rather I should say general awareness. So in this introductory session hum baat karenge aaj first India's first key, okay. Ye kuch questions hain which I am writing on the screen and you can take note of that and you can include them in your notes, right. So ab kya hai is topic mein, hum sabse pehle jo first question hai, jo ki ek एंशियंट लीगल जीके से पर्टेन करता है, वो ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एंशियंट सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया, सबसे पुराना इंडिया में सोर्स ऑफ लॉ क्या है, ओके, जिस जो इंडिया में जो लॉ जिस पे बना है या फॉलो होता है. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मनुस्मृति, ओके. So you will be given few options, but जब oldest source पूछा जाए ancient या oldest, तो the answer is मनुस्मृति. Okay, मनुस्मृति is actually the first law in India. उस time पे Britishers नहीं थे, कोई नहीं था, तो मनुस्मृति से जो है हमारे इंडिया के citizens जो हैं वो govern होते थे. Now the next point, next question is हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ओके, हम जब ये सीरीज करेंगे तो हम फाइव क्वेश्चंस रिलेटेड टू लॉ जो आपसे पूछे जा सकते हैं, फाइव न्यू फैक्ट्स एवरी डे एंड सम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी विल टॉक अबाउट. तो हु वॉज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करते जाना है. अगर आपको आंसर पता है प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, नहीं पता तो द आंसर इज आंसर है एमसी स्टेलवार्ट. ओके, सो ही वॉज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राइट. आई होप दीज टू क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. ये तीन दो पार्ट्स आप अपने पास नोट कर लीजिए जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, विच माइट बी आस्क्ड फ्रॉम यू एज अ पार्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस. क्यों? क्योंकि देखो इनमें लीगल भी है, ठीक है, इट इज अबाउट लॉ आल्सो, बट इट इज आल्सो अबाउट हिस्ट्री. सो एंड हिस्ट्री कम्स इन जनरल अवेयरनेस. सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ लीगल हिस्ट्री विच माइट बी आस्क्ड एंड विच आई थिंक इट कैन बी आस्क्ड. अब उसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन आता है, आई थिंक बहुत सारे लोगों को इसका जवाब पता होगा. तो हु is the chairman of Niti Aayog. Niti Aayog को English में बोलते हैं planning commission. तो या तो वो आपसे नीति आयोग भी पूछ सकते हैं या planning commission भी लिख सकते हैं. So who, what is the answer? जो नीति आयोग का chairman होता है, he is ex officio. Ex officio का मतलब है by the virtue of its office, ठीक है, virtue of office, ex officio PM, ठीक है. बेसिकली जो PM होगा, PM के की ड्यूटी है, PM के पास ये एक रोल है, क्योंकि वो PM है इसीलिए वो नीति आयोग का चेयरमैन भी होगा. सो एट प्रेजेंट श्री नरेंद्र मोदी is the chairman of Niti Aayog as well, because he is PM. अब कल को कोई Mr. X PM बनते हैं, तो by virtue of the office, कि because he is a PM, ex officio, he will also be the chairman. So अब इस
क्वेश्चन में हमारे दो चीजें हमने कवर की। क्या कवर की हमने? कवर की एक तो कि चेयरमैन कौन होता है नीति आयोग का। चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग इज ऑलवेज द एक्स इज ऑलवेज एक्स ऑफिशियो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। एंड दूसरी चीज जो हमने इस पार्ट में सीखी, इस क्वेश्चन से सीखी, वो थी दैट एक्स ऑफिशियो का मीनिंग। एक्स ऑफिशियो इज नॉट इंग्लिश, इट इज अ लीगल मैक्सिम, इटालियन इटैलिक वर्ड है, ठीक है? तो एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है, इटैलिक वर्ड है, दैट इट मींस बाय द वर्च्यू ऑफ ऑफिस। बिकॉज द पर्सन इज पीएम, ही विल ऑटोमेटिकली बी द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। अब जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, जिन स्टूडेंट्स ने पॉलिटी पढ़ी होगी, द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो। बिकॉज ही इज वाइस प्रेसिडेंट, दैट इज वाई ही विल ऑल्सो बी द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट की ही जिम्मेदारी है राज्यसभा की चेयरमैनशिप भी, दैट इज वाई। ऐसे ही पीएम की जिम्मेदारी है बींग द चेयर पर्सन, बींग द प्रेसिडेंट ऑफ और चेयर पर्सन, चेयर होल्डर ऑफ द प्लानिंग कमीशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो पूछा जा सकता है, कि बाय अ रीसेंट अमेंडमेंट द प्रोविजन ऑफ, आई होप माई हैंड राइटिंग इज लेजिबल, द प्रोविजन ऑफ नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा हैज बीन स्ट्रक डाउन। सो कौन सी अमेंडमेंट में हुआ था? बाय, लेट्स चेंज दिस क्वेश्चन अ लिटिल बिट। बाय विच रीसेंट अमेंडमेंट? ओके, सो इसका आंसर है 104th। ओके, हमारे जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो ये प्रोविजन था कि दो मेंबर्स को, दो एंग्लो इंडियंस को जो प्रेसिडेंट हैं, ही विल नॉमिनेट, प्रेसिडेंट विल नॉमिनेट टू मेंबर्स इन लोकसभा, जिससे कि टू सीट्स जो थी वो उनकी रिजर्व थी। बट अब ये प्रोविजन कैंसिल हो चुका है। ओके, सो एंड बाय विच अमेंडमेंट? 104th अमेंडमेंट। ओके, हर बार ये 10 10 ईयर्स के लिए प्रोविजन बढ़ जाता था। पहले 1950, 1960, 1970, बट अब फाइनली 2020 में ये प्रोविजन हमेशा के लिए अबॉलिश हो गया है। ओके, 2021, सॉरी। नाउ दिस इज दीज वर द 5 क्वेश्चंस दैट वी हैड टू डिस्कस। ऑल राइट, जस्ट अ सेकेंड। राइट, सो नाउ लेट्स मूव टू आर कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं आज कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है? यहाँ से हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आया, कब आया? वी ऑल नो कि इंडिया पे पहले ब्रिटिशर्स रूल करते थे, एंड 1946 में इंडिया और पाकिस्तान जो है वो अलग हो गए, राइट? रैडक्लिफ्स बॉर्डर, वी ऑल नो, इंडिया पाकिस्तान, जो मोहम्मद जिन्ना थे, ही टुक द पाकिस्तान फॉर इस्लामिस्ट, एंड इंडिया में इट वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू हु टुक द लीड, राइट? सो अब यहाँ पे पार्टीशन हो गया और ब्रिटिशर्स कंट्री को छोड़ के जा रहे थे। तो अब हमें इंडिया में नए लोगों की जरूरत थी जो न्यू फ्री इंडिया में रूल्स बना सके, राइट? तो अब उसके लिए हमारी बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम हिंदी में बोलते हैं संवैधानिक सभा, ठीक है? इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या बनाया है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है। नाउ प्लीज स्क्रीनशॉट दिस स्लाइड, बिकॉज आई एम गोइंग टू चेंज द स्लाइड एंड वी आर गोइंग टू रीड फर्दर।
अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है? तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संवैधानिक सभा में, बहुत सारी कमिटीज थी, ठीक है? ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ओके? एंड उसके अलावा वी हैड फंडामेंटल राइट्स की कमिटी थी, ओके? जिसके चेयरमैन सरदार पटेल थे, ओके? उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कमिटी थी, राइट? जिसके चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ओके? एंड सो ऑन, वी हैड अ लॉट ऑफ अदर कमिटीज, बहुत सारी कमिटीज थी, ठीक है? तो ये सारी कमिटीज कॉन्स्टिट्यूशन के अलग-अलग पार्ट्स पे काम कर रही थी, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स कमिटी वाज वर्किंग ऑन फंडामेंटल राइट्स, ड्राफ्टिंग कमिटी ये देख रही थी कि हम लिखेंगे कैसे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली वही है जो आगे जाके प्रीएम्बल हम पढ़ते हैं, तो की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होंगे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस कमिटी को चेयर कर रहे थे। नाउ फर्स्ट टाइम हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, फर्स्ट टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट ऑन 9 दिसंबर 1946, ठीक है? फर्स्ट मीटिंग जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई, वो हुई 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है? एंड इसके बाद 26 नवंबर 1949, इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ, ठीक है? तो इट टुक 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज फॉर द कंप्लीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये पीरियड आप एज इट इज याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। अगला क्वेश्चन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग से आता है, वो आता है कि हेड्स पूछ लेते हैं कि कौन कौन हेड्स थे, ठीक है? तो मेनली जिन कमिटीज के पूछते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, ड्राफ्टिंग, रेजोल्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, इन तीन का आई हैव टोल्ड यू, ठीक है? देन नेक्स्ट इज दैट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उनके फर्स्ट प्रेजिडेंट कौन थे? तो जब भी वर्ड फर्स्ट पूछा जाए ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है? क्योंकि ही वाज द ओल्डेस्ट मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट ये थे, उस जब इलेक्शन नहीं हुआ था कि कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हेड करेगा, उसके बाद इलेक्शंस हुए एंड परमानेंट ही इज आल्सो नोन एज इंटरिम प्रेसिडेंट, ठीक है? क्योंकि कोई नहीं था, तो बीइंग द ओल्डेस्ट वन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने चार्ज संभाला एक दिन के लिए। एंड परमानेंट प्रेसिडेंट, या अगर आपसे सिर्फ इतना पूछे हु वाज द प्रेसिडेंट, फर्स्ट ना लिखा हो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो द आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर सिर्फ प्रेसिडेंट लिखा हो, अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा है, तो द आंसर विल बी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। बट अगर फर्स्ट नहीं लिखा, सिर्फ प्रेसिडेंट लिखा है, तो ऑप्शन में आपको राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टिक करना है। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज आल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है? हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इज इट क्लियर? आई होप दिस ऑल इंफॉर्मेशन इज क्लियर टू यू। नाउ अब हम मेन बात करते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, तो अब उन्हें ऐसे तो कोई ड्रीम्स तो आ नहीं रहे थे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, तो इन्होंने बहुत सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प ली, ठीक है? जिसमें से मेन था यूएसए, उसके बाद था यूके, क्योंकि बहुत सालों तक हम जो है यूके के लॉ से गवर्न हुए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मेन सोर्स तो यही था। उसके बाद हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ प्रोविजंस लिए, ठीक
ठीक है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को वेइमर कहते हैं। उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसमें से हमने कुछ अपने प्रिंसिपल्स डिराइव आउट किए, हमने ऑस्ट्रेलिया के रूल्स में से, कॉन्स्टिट्यूशन में से प्रिंसिपल लिए, हमने कनाडा से प्रिंसिपल्स लिए, ठीक है, हमने आयरलैंड से प्रिंसिपल्स लिए, ठीक है, जो हमें जिस कंट्री का, थ्रू आउट द वर्ल्ड हमें जिस कंट्री का, रशियन, यूएसएसआर पहले कहा जाता था, यूनियन, सोवियत, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है, इट वॉज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज विच लेटर ऑन इज आइडेंटिफाइड एज रशिया। ओके, सो अब ये जो कंट्रीज थी, इनसे हमने बहुत सारे फीचर्स लेकर अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव आउट किया, ठीक है। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमने अलग अलग जगह से फीचर्स लिए, विच वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। इन कंट्री से इंडिया में क्या फीचर्स लिए गए, क्या हमने किस जगह से क्या अडॉप्ट किया, वी विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल इन द नेक्स्ट अपकमिंग क्लास। सो आई होप दिस डिस्कशन वॉज यूजफुल फॉर यू, एंड वी विल ब्रिंग स्मॉल स्मॉल लेक्चर्स एवरी डे, सो दैट यू कैन रिमेम्बर मोर एंड यू कैन बी मोर फ्रूटफुल इन योर एग्जाम्स। एंड फॉर एनी डाउट्स, डिस्कशंस, क्वेरीज, यू कैन ड्रॉप डाउन द कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो। Right, if you also want some topics to be covered, you can also let us know that too. Thank you, everyone. Please stay tuned.